ভাটপাড়া পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত ফলহারি বাবা মন্দিরের নিকট গতকাল রাতে গুলি চলার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। রাতেই থানার অভিযোগ দায়ের করে উমেশ সাউ নামে এক তৃণমূল সমর্থক। দেখুন কি ছিল তার অভিযোগ। ভাই বৈঠা থা উমেশ সাউ, उसका उमेश राय का लड़का लोग आया, उसके ऊपर गोली फायरिंग कर दिया बिना बात के। उसका लड़का था उमेश राय का लड़का था, समझे, उनका घाट के बगल में फाड़े हुए मंदिर, वहीं पे बैठा था मेरा भाई उमेश साहब। वहाँ पे आया, ये लोग आया, का ना का हुआ बाता बाती, उसके बाद उमेश राय का लड़का का किया गोली फायरिंग कर। उमेश राय टीएमसी का दल करता है, वही है। देखो नीचेर ऊपर उठा अभिजोग लिया आज फेसबुक लाइव ऐसे की बोलें स्वयं उमेश राय। नमस्कार, बहुत दिन बाद आप लोगों के मध्य लाइव आया हूँ। मुख्य कारण आप लोग जानते ही होंगे, कल जिस घटना में मुझे फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि कल के घटना में जो लोग भी मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं, घटना के सच्चाई क्या है, घटना की सच्चाई यही है कि वहाँ एक लड़का गांजा पीने आता है और वहाँ जिस लड़के के ऊपर घटना की जो बात सामने आ रही है, वो दोनों लोग वहाँ प्राय दिन गांजे पीते हैं और गांजे पी के दोनों लोग में कुछ कहा सुनी होती है और कहा सुनी होने के बाद दोनों लोग में एक विवाद बढ़ता है। लेकिन इस विवाद से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी मेरा नाम आने का कारण एक ही है कि वहाँ मेरा घर है और मेरे घर के पास कोई भी घटना होता है तो उस घटने में मुझे लिप्त कर दिया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कमिश्नर आलोक रजरिया जी को और भाटपाड़ा आईसी अनुपम मंडल सर को, जो सच्चाई बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाएंगे। और जिस तरह कमिश्नर जी और भाटपाड़ा आईसी के नेतृत्व में और सांसद अर्जुन सिंह के प्रयासों से इलाके में जितनी गुंडागर्दी हो रही थी, पुलिस उस पर नाकाम कसने में सक्षम हो रही है, आज नहीं तो कल इस घटना का भी सच्चाई पुलिस आपके सामने रखेगी। और पुलिस से हम उम्मीद रखते हैं, हम मेरा जो लोग मेरा चेहरा को धूमिल करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं और कुछ लोग अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उनके संस्कार में है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं किसी को गाली दूँ और मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करूँ। আসলে উমেশ রায় এবং অভিযোগকারী উমেশ সাউ উভয় একই এলাকার বাসিন্দা এবং তৃণমূল দলের সদস্য। উমেশ রায়ের অনুযায়ী সে এই মামলার সাথে কোনোভাবেই জড়িত নয়, এই ঘটনায় তাকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে দিলেন প্রতিক্রিয়া। এই বিষয়ে আবার প্রতিক্রিয়া দিলেন ভাটপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন প্রশাসক গোপাল রাউত। যে ঘটনাটা তো খুব দুঃখ ঘটনা হয়েছে, এইটা ঘটনা এইরকম ঘটনা কারো উপরে কারো জান মারার যদি এইরকম ঘটনা হচ্ছে সেটা খুব খারাপ। যে দুশ্চিন্তি আছে যে ঘটনা করেছে, প্রশাসন তদন্ত করছে, প্রশাসন সাজা দিবে। রাজনীতি যোগ কি, যে যে ক্রিমিনাল তার রাজনীতি কি, ক্রিমিনাল যে গুলি চালাবে তাকে যদি রাজনীতি করবো, আমি যে করবে আর গুলি চালাবে সে রাজনীতির যোগ তো কি। ক্ষতি হতে পারে তার জন্য ওর ছোট ক্ষতি আছে, যে যদি বড় ক্ষতি গুলি চলাতে জন্যে যদি এইরকম ঘটনা হয়েছে তাহলে দুঃখ ব্যাপার। অবশ্যই প্রশাসন নিজের কাজ করছে, কিন্তু জানিয়ে রাখি এই মন্দিরের লাগোয়া চারদিকে দীর্ঘদিন ধরে চলছে অবাধভাবে মদ, জুয়া ও অন্যান্য মাদকের বেআইনি ঠেকা। ব্যুরো রিপোর্ট 24 ঘন্টা লাইভ। ক্যা অনলাইন ক্লাস করকে জব করনা চাহতে হো, নকরি করনা চাহতে হো?
केवल 3 महीने कोर्स के बाद जॉब की गारंटी, और हाँ नौकरी नहीं तो कोर्स फी वापस। हाँ मेरा फ्रेंड, ये बिल्कुल 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 100% पॉसिबल है। अपना हायर सेकेंडरी या तो फिर ग्रेजुएशन पास करके घर में बैठे हुए कोई अच्छा नौकरी करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप इस प्रोफेशन में। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो इनकम होता है वो चालू ही होता है 15,000-20,000 तनख्वाह से। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, घुमाइए नंबर, क्योंकि फार्मा हेल्थ एकेडमी है एक नंबर।